कार्बन का फोन है ये, और इसमें जियो का सिम लगता है, कार्बन जियो कन्फिगर है ये दोस्तों। इसमें कोई भी अगर दूसरी बैटरी लगाते हैं तो प्रॉब्लम इसमें आती है, फ़ोन इज शट डाउन का, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, जैसे यहाँ पर वार्निंग लिखा हुआ आता है शट डाउन का, उसके बाद बंद होता है। दूसरा, मैंने यहाँ पर नोकिया की ओरिजिनल बैटरी लगाया, इसके ऊपर ऑन तो हो जाता है, इसके ऊपर कुछ एरर लिखा हुआ आता है, मैं ठीक से यहाँ पर पढ़ नहीं पाया, इज़ कूल मुझे यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ दिखा, उसके बाद में उसके पहले क्या लिखा था वो मुझे नहीं दिखा। आप देख सकते हैं ये वाला एरर आता है, मगर मोबाइल ऑन रहता है। अगर यहाँ पर हम चार्जर लगाएंगे तो मोबाइल चार्ज नहीं होता बिल्कुल भी। वहीं पर ये दूसरी बैटरी मैंने मार्केट की लगाया तो इस बैटरी के ऊपर फोन ही शट डाउन लिखा हुआ आता है और मोबाइल डायरेक्ट बंद हो जाता है। ठीक है, आप देखना, इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, एक ही सॉल्यूशन है दोनों का। ठीक है, ये देख सकते हैं इसमें शट डाउन लिखा हुआ आ गया और ये अभी बंद हो गया। तो दोस्तों ये मैंने अभी जियो की बैटरी लगा रहा हूँ, ठीक है, इसको हमें उल्टा लगाना है, उल्टी बैटरी अगर लगा, क्योंकि इसके माइनस प्लस जो होते हैं वो उल्टे होते हैं, तो ये जियो की बैटरी इसमें लगाऊंगा तो ये मोबाइल नॉर्मली ऑन हो जाएगा, इसमें कोई एरर वगैरह नहीं आएगा जियो की बैटरी अगर लगाते तो। बाकी दूसरी बैटरी अगर हम लगाएंगे तो इसमें एरर देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों अभी मोबाइल नॉर्मल ऑन हो गया है, इसको अगर मैं चार्जिंग पे भी लगाता हूँ तो ये चार्जिंग हो जाएगा अभी, ठीक है। मगर बाकी मार्केट की दूसरी बैटरियाँ जो होती है नोकिया 5C बैटरियाँ, वो इसमें सपोर्ट नहीं करता है। तो दोस्तों ये जो फार्मूला आपको यहाँ मैं बताने वाला हूँ, ये फार्मूला सभी मॉडल में काम आएगा, नोकिया का फ़ोन हो चाहे माइक्रोमैक्स का हो, जिसमें आपको बैटरी एरर, चार्जिंग एरर जो भी प्रॉब्लम देता है मोबाइल में मार्केट की बैटरी लगाने से अक्सर, उसका मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बताऊँगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं जो बीच वाला पॉइंट है बैटरी कनेक्टर के ऊपर, बीच वाला पॉइंट, उसके ऊपर हमें एक रजिस्टर लगाना है 10 किलो ओम का या फिर 12 किलो ओम का, आप रजिस्टर लगा सकते हैं। यहाँ पर 10 किलो ओम का रजिस्टर लगाना है, बीच वाले पॉइंट के ऊपर एक सिरा जोड़ देना है और रजिस्टर का दूसरा सिरा ग्राउंड लाइन के ऊपर जोड़ देना है, उसके बाद ये प्रॉब्लम इसका निकल जाता है। अब 10 किलो ओम और 12 किलो ओम के रजिस्टर मार्केट में मिल जाते हैं, थोड़ा से बड़े होते हैं, बॉडी को काटना पीटना पड़ता है थोड़ा सा, मैं यहाँ पर इसको सेट भी कर दिखाऊंगा अच्छे से बढ़िया। तो यहाँ पर दोस्तों हमें मल्टीमीटर के ऊपर चेक कर लेना है, क्योंकि इसके कलर कोड के ऊपर से हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, हमको इतना समय ख़राब नहीं करना, मल्टीमीटर जब है तो हम कलर क्यों देखें। ठीक है दोस्तों, तो मल्टीमीटर के ऊपर जो मैं रजिस्टर देखा, ये रजिस्टर दोस्तों 4.5 ओम का है, 4.5 किलो ओम का है, ठीक है। यानी सीरीज में अगर लगाते हैं दो रजिस्टर तब भी ये काम कर लेगा, लेकिन हमें दो रजिस्टर नहीं लगाना है, हमें एक ही लगाना है। तो मेरे पास दोस्तों 10 किलो ओम का रजिस्टर नहीं है, तो मैंने 12 किलो ओम का रजिस्टर निकाला, तो मुझे ये रजिस्टर मिल गया है। यहाँ पर 11.5 किलो ओम दिखा रहा है, मगर ये 12 किलो ओम का होता है, ठीक है। यहाँ पर आप 10 किलो ओम, 11 किलो ओम, 12 किलो ओम तक के आप रजिस्टर लगा सकते हैं, बीच वाले पॉइंट के ऊपर लगाना है बैटरी कनेक्टर के, ठीक है। यहाँ पर इसको हमें सोल्डर कर देना है, एक बार हम पहले चेक करेंगे, उसके बाद इसको यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ओरिजिनल नोकिया की बैटरी के ऊपर इस कूल जैसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था, इस बार नहीं आया, ठीक है, नोकिया की बैटरी के ऊपर। अब दोस्तों ये चार्ज भी हो जाएगा ओरिजिनल नोकिया की बैटरी के ऊपर, ठीक है। अब मैं इसकी जो दूसरी बैटरी है, जो मार्केट की बैटरी है, उसके ऊपर ऑन कर दिखाऊँगा, जिसमें शट डाउन लिखा हुआ आ रहा था और मोबाइल स्विच ऑफ हो जा रहा था, वो भी आपको मैं दिखाऊँगा, ठीक है। अब दोस्तों ये चार्जिंग होना भी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये चार्ज भी नहीं होता था और ये अभी चार्जिंग भी इसमें चालू हो गया, अब ये चार्ज भी हो रहा है, ठीक है। ये सब फॉर्मूले दोस्तों आप किसी भी कीपैड वाले फ़ोन में आजमा सकते हैं, नोकिया हो, माइक्रोमैक्स हो, कार्बन हो, लावा हो, जिनमें बैटरी एरर, चार्जिंग एरर या शट डाउन का प्रॉब्लम आता है, या जो भी प्रॉब्लम आता है बैटरी से रिलेटेड या चार्जर से रिलेटेड, जो भी ये प्रॉब्लम होते हैं आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। कोई भी कंपनी का कीपैड फ़ोन हो, किसी भी तरह का हो प्रॉब्लम,
जो प्रॉब्लम आते हैं ये इसी की वजह से आते हैं। आपको बस बैटरी कनेक्टर के बीच वाले पॉइंट को लेना है और ग्राउंड से रजिस्टर को लगा देना है। 10 किलो ओम, 11 किलो ओम, 12 किलो ओम, आप कोई भी रजिस्टर लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें दूसरी बैटरी जो मेरे पास थी जिसमें शटडाउन का प्रॉब्लम आ रहा था उसके ऊपर भी यह अभी चलने लग गया। ठीक है, मैंने चार्जर अभी हटा दिया, मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बैटरी लगी हुई। अभी फिर से मैं आपको ये ऑन कर दिखाऊंगा। और ये रजिस्टर मार्केट में मिल जाते हैं, आप जहाँ पर होम थिएटर वगैरह के आईसीएम मिलती है, टीवी के सामान मिलते हैं, स्पेयर पार्ट मिलते हैं, वहाँ पर ये रजिस्टर मिल जाता है। काफ़ी सस्ता होता है, 1 रुपये का एक मिलता है। ये देख सकते हैं दोस्तों अभी इसमें शटडाउन नहीं आ रहा है। तो अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर दूँगा परमानेंट और बॉडी में भी बहुत ही बढ़िया अच्छे से फिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रजिस्टर अच्छे से सेट हो चुका है बॉडी में, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको काटा और यहाँ पर ये रजिस्टर अच्छे से सेट हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों मैं ये चेक कर रहा हूँ और ये अभी सक्सेस हो गया। ध्यान रहे उस रजिस्टर को ग्राउंड से जोड़ना है और बैटरी कनेक्टर के बीच वाले पॉइंट पर सोल्डर कर देना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद जय भारत।